हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एन टी ए नेट एग्जाम। ये चैनल मैं खास तौर पर पंजाबी के स्टूडेंट लिए बनाया जो एन टी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतने आके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो तुसी मेरे चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, नाल दे नाल बैल आइकन जरूर दबा लो, तो नोटिफिकेशन मिलती रहे कोई वीडियो अपलोड करती हाँ। नाल तुहानू दस दिनी हाँ, पंजाबी दी एजुकेटर हाँ आन अकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म के उत्ते, जिते बहुत सारे स्टूडेंट ने मैनू ज्वाइन किया हुआ ने ते अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो इन्हों ही एक कोर्स मैं जोड़ा है वा उत्थे करवा रही हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा असं अगे जा रहे हाँ, तो वह ही इतने पा रही हाँ। तो तुम उत्थे जाके मैं फॉलो जरूर करो, आई डी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के है। टॉपिक जोड़ा सा जा रहा है वो अनुवाद है, अनुवाद या किस्म भाव अनुवाद शब्द अनुवाद कर चुके हैं, अज असी कर जा रहे हैं छाया अनुवाद। सो कुछ विद्वाना ने छाया अदवान जोड़ा अनुवाद है उसनों मूल मुकत के भाव अनुवाद का ही एक नाम दिता है, यानी कि सेम थोड़ा इस लिटिल बिट डिफरेंस है, बट जोड़ा हैगा वा भाव अनुवाद के नाल ही है। छाया का मतलब की होंदा है, किसी की परछाई। अनुवादक ने मूल कृत नूं पढ़ के जो समझिया अनुभव किया जिहड़ा प्रभाव ग्रहण किया वह छाया अनुवाद है। हुण अगर सानूं कोई पैरा एक पूरे का पूरा दे दिता जाता है तो सानूं उस दे बारे दस्या जाता ना कि एक वर्ड उस दे विच जिहड़ा जिहड़ा उहदा सिरलेख बनता सी, मेन जिहड़ा उहदा बनता सी सानूं लभण लई कहा जाता सी। तो असी की करते सी सारा पहलो पैरा पढ़ते सी, उस दे विच जो समझ आता सी उसनू एक दो लाइन्स दे विच बयान करन दी कोशिश करते सी, ठीक है। सो उही जिहड़ी हुंदी है चीज़ इत्थे दसी गई है कि बट इत्थे की है अनुवाद हैगा वा कि जो तुसी पढ़ रहे हो उसनू जो समझ के तुहानू पता लगा कि इस दे विच इह दस्या गया वह की हुंदा वा छाया अनुवाद है। इस विच वी अनुवादक नूं पूर्ण तौर पर छूट हुंदी है कि वह मुख भाव नूं लैके स्वतंत्र पाठ की रचना कर सकता है, कि जिन्ना उसे समझ आया उन्ना वह वर्ड यूज़ कर सकता है, कोई घट नहीं कोई वध नहीं, इस दे विच कोई गिनती नहीं हुंदी। इस अनुवाद विच मूल पाठ का परछावा ना मात्र ही हुंदा है, मूल पाठ जो दस्या गया हुंदा उस दे बारे नहीं इस दे विच दस्या हुंदा, उसकी परछाई यानी कि उसनूं समझ के जो बयान किया है उसने नाल रलिया मिलिया जरूर हुंदा है। मूल भाषा का कथन लक्ष्य भाषा की समाजिक संस्कृति परिस्थितियों के अनुरूप विच कर लिया जाता है, यह एक प्रकार का रूपांतरण ही होता है जिस विच नाम स्थान वातावरण आदि नूं बदलिया जाता है। इस नाल मूल रचना का विषय लैके पाठकों तक उन्हां दी समझ अनुसार ढाल लिया जाता है, कि जो चीज़ समझ रहे हो अगर वो उत्थे कुछ चेंज करने चाहते हैं तो उसनों की हैगा वा अगर वो अनुवाद करते टाइम उस दे विच नाम स्थान वातावरण यह चीज़ों वो थोड़ा जिहा चेंज भी कर सकते हैं कि पाठकों तक इस जल्दी समझ आ जाए, ठीक है। इस नाल वह रचना अपने ही जापती है, उदाहरण के तौर पर जैक्सन जैकिसन बन गया। हूँ जेकर असी कोई अंग्रेज़ आएगा इत्थे, ठीक है, बहुत ही पछड़े इलाके जाएगा, जिवें हुण कोई साडे इत्थे कंट्रीज विच बहुत पछड़े इलाके मिलते हैं, अगर उत्थे जाएगा अपना नाम जैक्सन दसेगा तो वह हस के कहना जैकिसन। सो उन्होंने जो समझ आया उन्हें उही अपना कन्वर्ट किया ना उतों के परसन ने, सो हैरी की हो गया हरी बन गया। सो यही चीज़ उन्होंने दसिया है। उस तो बाद आएगा पंजाबी नाटक में सुरजीत पात्र द्वारा पछमी नाटक ब्लड वैडिंग अग दे कलीरे नाम के सिरलेख अनुवाद किया गया। बरतोल ब्रेखर का नाटक जिहड़ा हैगा केशियन चाक सर्कल नूं सतीश कुमार वर्मा ने इंज होया इंसाफ के सिरलेखन अनुवाद किया है, ये उन्होंने कुछ उन्होंने दसिया है। उस तो बाद साडे कोल आ जांदा है मशीनी अनुवाद। आई होप तुहानू समझ आ गया होएगा छाया अनुवाद की हुंदा है। मूल अनुवाद की एक जस्ट परछाई हुंदी है, जो समझ आया वो ही उन्होंने उस दे विच बयान किया जाता है, नाम स्थान वातावरण अपने हिसाब नाल वो चेंज कर सकते हैं। मशीनी अनुवाद की हुंदा है, जिहड़ा मशीन का असीं की लिया जाता है, साडे कोल कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, फोनस है, की हैगा उस दे विच बहुत सारे ऐसे जो सॉफ्टवेयर हैगे आ जिस दे थ्रू कन्वर्ट किया जाता है। अगर कंप्यूटर की गल कीती है तो जो दो भाषावां दी समगरी नूं कंप्यूटर विच पाया जाता है तद जिस दी मदद नाल कंप्यूटर राही सही शब्द चुन के अनुवाद करता है। दो जिहड़े इत्थे दसे होए ना दो एक किताबां नूं चलो कंप्यूटर दे विच पा दित्ता, हुण इत्थों असीं कन्वर्ट करना इंग्लिश टू पंजाबी। सो उहनां नूं ओह की करेगा समझ के जो उस दे विच दसिया होएगा वह उसनूं कन्वर्ट करेगा। जिन्हां दो भाषावां नूं आपस विच अनुवाद करना होवे उन्हां दी कुछ पहला अनुवाद किताबां ज दोवें भाषावां विच मिलदियां होण उन्हां नूं कंप्यूटर विच पा दित्ता जांदा है, ठीक है। जिवें मैं इंग्लिश टू पंजाबी कन्वर्ट करना वा मैं उस तरह ही उन्हां नूं उहदे विच पा दित्ता। कंप्यूटर फिर की करेगा दोवां दी समगरी की तुलना करता है, उन्हां दे आधार ते शब्दावली बना लेगा, फिर कुछ नवां अनुवाद करन दी कोशिश करेगा। भावें अनुवाद विच व्याकरण ठीक नहीं हुंदी पर इस अनुवाद कुछ ना कुछ समझ बनाउण दा काम हुंदा है।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਨਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੋ ਪੇਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫਰੈਂਚ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਖਾਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੈਸਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਅਗਰ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।